नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज लेकर आई हूँ आपके लिए इंस्टेंट पेड़ों की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है। 5 मिनट में है ना, आप बिना खोए के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पेड़े बना सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और खाने में है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। बाहर की सारी मिठाइयाँ इसके आगे फेल है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना, मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, यानी 1 से 2 चम्मच के करीब पानी। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 कटोरी दूध लिया है। आप कोई भी है ना कप कटोरी सेट कर ले मेज़रमेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप मेज़रमेंट करें। दूध डालने के बाद है ना, इसे अच्छी तरह से ना लगातार चलाते हुए हमें भूनना है, ताकि दूध है ना बर्तन के ना लगे। तो इसे है ना आप किसी भी स्पून या स्पैचुला से चलाते रहें, और साइड से जो भी मलाई आती रहे ना उसे स्क्रैप करके दूध के अंदर ही आपको मिलाते रहना है। दूध की क्वांटिटी जब 1/3 हो जाए, फिर उसके बाद ना इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, पर अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाल दी है, और जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए उसके बाद ना इसके अंदर हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो बस ये 3 चीज़ों से है ना आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पेड़े बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 5 से 10 मिनट में ना ये बनकर तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब आप है ना फेस्टिवल पे है ना, आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से पेड़े बना सकते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश होंगे, बिल्कुल प्योर होंगे। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद है ना इसे अच्छी तरह से मिलाना है, और इसे है ना हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो आप देखेंगे ना धीरे धीरे ये सूखने लगेगा। जैसे जैसे दूध अच्छी तरह से सूखने लग जाए, इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लग जाए, उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद भी है ना आप इसे 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाएं, ताकि खोया ना बर्तन के ना लगे, क्योंकि उस समय कढ़ाई गर्म होगी। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो नीचे से ना खोया डार्क कलर का हो जाएगा। उसके बाद है ना इसे पैन के नीचे या फिर रूम टेम्परेचर पर आप अच्छी तरह से ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद आप देखेंगे ना खोया अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर है ना ये खोया लिया है, जो बिल्कुल अच्छी तरह से अब देखिए ठंडा हो चुका है, और देखिए इस तरह का हो गया है। तो ऐसा ही हमें इसे बनाना है। और उसके बाद है ना इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी लिया है मैंने। तो मिल्क पाउडर लगाने के बाद है ना इसकी अच्छी तरह से हम छोटी सी है ना लोई सी बनाएंगे, और उसे उंगलियों से हल्का सा प्रेस करके बीच में इसके थोड़ा सा ऐसे स्पेस सा बनाएंगे। इसके अंदर है ना आप या तो पिस्ता लगा सकते हैं, या फिर कई जगह आपने देखा होगा ना इलायची के दाने लगे होते हैं, यानी जो इलायची के बीज होते हैं ना वो लगे होते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। इसे आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, तो अपने हिसाब से इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह के आप पेड़े भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इसके अंदर जो मैंने बीच में स्पेस बनाया था ना थोड़ा सा, मैं बारीक कटी हुई पिस्ता लगा दूंगी। आप पिस्ते की जगह जैसे मैंने बताया कि इलायची के बीज लगा सकते हैं, या फिर केसर भी लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से नहीं इसे सजा सकते हैं। तो बनकर तैयार हो गई है इंस्टेंट पेड़े की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।